फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to the post-match show of the second ODI between India and Australia. And as the thumbnail suggests, the series is done and dusted. Although एक मैच और पड़ा है, लेकिन सीरीज इंडिया जीत चुकी है पहले दो मैच जीत कर। काफी सवालों के जवाब मिले हैं, काफी सवाल शायद और खड़े हुए हैं, और इसी बारे में हमारे साथ डिस्कस करने मेरे साथ जुड़े मेरे कलीग सौम्य कपूर। सौम्य, सेकेंड ODI ऑल्सो डन, बट जो मेरा क्वेश्चन था कि सवालों के जवाब मिले हैं या और सवाल खड़े हुए हैं, क्या लगता है? कहीं ना कहीं सवालों के जवाब मिले, एक्चुअली सवालों के जवाब भी नहीं, कुछ जो थोड़े से डाउट्स थे ना इंजरीज को लेकर के और परफॉर्मेंसेस को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, जैसे श्रेयस अय्यर के बारे में हम बात कर रहे थे यार कि वापस आ रहे हैं, इसमें दो फैक्टर्स हैं, पहले इंजरी से वापस आ रहे हैं, फिटनेस पूरी है, उसके बाद वो फॉर्म है या नहीं, वो चीज़ थोड़ी सॉर्ट हो गई है कहीं ना कहीं। एंड गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट और ऑन द बैक ऑफ 100 इज ग्रेट। सिमिलरली विद शुभमन गिल, वो फॉर्म में हैं 2023 में, लेकिन वो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप ऐसा एक इनिंग खेलना, ऐसा एक नॉक खेलना, बहुत अथॉरिटेटिव नॉक था वो, यू नो, स्टेप आउट करना फास्ट बॉलर्स को, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। तो वो चीज़ें बहुत शॉर्ट हो गई हैं। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म है, वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, शायद फर्स्ट 11 में नहीं होंगे, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि मौका देना पड़ेगा आपको प्लेयर्स को रेस्ट करने के लिए, आपके प्लेयर्स का वर्कलोड को सॉर्ट रखने के लिए आपको उनको मौका देना पड़ेगा। एंड अगेन ही हैज ऑल्सो शोन कि वो उस रिदम में और उस ग्रूव में है। थोड़ा सा खफा मैं ज़रूर हूँ फील्डिंग से और शार्दुल ठाकुर से, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, दो मैचेस बहुत ज़्यादा खराब गए हैं, बट इज अ ग्रेट प्लेयर, यू नो, ही इज समवन हु कैन, यू नो, पिक विकेट्स एट वेरी क्रूशियल जंक्चर, और उस जैसे प्लेयर का होना इस टीम में बहुत एक पॉजिटिव साइन रहता है। कभी कभी होता है कि एक दो मैचेस खराब हो जाते हैं, बट फील्डिंग थोड़ा कंसर्न हो गया है। दो कैचेस आपको ड्रॉप नहीं करने चाहिए, शॉन एबर्ट की 50 आपने कराई है, ठीक है, वो बैटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े भी बैट्समैन नहीं है कि वो इतने नीचे आके आप ऐसे मार के और 50 कर दे। तो बेसिकली दो बॉक्सेस से जो इंडिया टिक करने जा रही थी इस सीरीज के साथ, वन बीइंग टेस्टिंग द बेंच प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हैं, बीट सूर्य कुमार यादव, और गिविंग अ चांस टू श्रेयस अय्यर ताकि वो ग्रूव में आ जाए, कॉन्फिडेंस में आ जाए। एंड सेकंड इज द ऑफ स्पिनर डिबेट, अश्विन को हम ट्राई आउट कर रहे हैं, क्या वो फिट बैठता है प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में, वो तो एक, जैसे कि हमने कहा कि श्रेयस अय्यर को कॉन्फिडेंस मिल गया है, सूर्य कुमार यादव का हमने देख लिया है क्या स्किल है, हालांकि उस पर भी और डिस्कशन और डिबेट चलती रहेगी, हुई वो एक ऐसी पोजीशन और वो एक ऐसा प्लेयर है कि काफी अगेंस्ट और फॉर द डिबेट होते हैं। बट ऑफ स्पिनर के अगर हम आते हैं तो अश्विन ने आज 3 विकेटें ली हैं, वो जो पिछले मैच में उनका थोड़ा फीका लगा था, आज लगा है कि शायद ही हैज इंप्रूव्ड अपॉन पहले ODI से लेके अब तक, तो आपको क्या लगता है अश्विन मोर और लेस ही इज इन द स्क्वाड अब, क्योंकि ये लग रहा है कि वो स्क्वाड में तो जाएंगे ही जाएंगे, बट डू यू सी हिम एज अ प्लेइंग 11 प्लेयर इन द वर्ल्ड कप? नहीं, अगर अश्विन आपके स्क्वाड में है तो मैं पर्सनली उनको जरूर 11 में रखूंगा यार, और उन्होंने दिखा दिया आज की व्हाई इज ही समवन हु इज कंसीडर्ड, यू नो, हु इज बीइंग कंसीडर्ड टू गेट टू दैट बस ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड अगेन, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड मोरलेस का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है आपने, आपको टिंकर तब करना पड़ता है जब कोई इंजरी कंसर्न हो या कोई प्रॉब्लम हो। इंजरी कंसर्न इंडिया के पास भी है अक्षर पटेल को लेकर के, लेकिन हम कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंस, हम बात कर रहे हैं अश्विन की, हम बात कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट ही इज डूइंग। पिछले मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रुप से बाहर दिखे थे वो, बट आज रन पड़े, एक दो जगह पे रन पड़े, लेकिन अगेन व्हाट अ कमबैक, जो जिस तरीके का टर्न मिल रहा था पिच से उसको कैपिटलाइज करा, एंड ही हैज शोन द काइंड ऑफ वेरिएशंस ही हैज, यू नो, मार पड़ने के बाद भी ही इज मेकिंग अ कमबैक, तो वो अश्विन का वो कलर, वो ग्रुप दिख रहा है। एंड आई जस्ट फील, यू नो, इफ यू हैव हिम इन द स्क्वाड, जस्ट हैव हिम इन द 11, बिकॉज मोर और लेस आपको कंडीशन ऐसे मिलने वाली हैं जहाँ आपको आपका स्पिनर काम करेगा, ठीक है, आप फास्ट बॉलर खिलाइए, आप दो फास्ट बॉलर खिलाइए, आपके पास मीडियम पेसर में एक हार्दिक पांड्या है, तो ही चिप्स इन, और जो आपको एक कुलदीप के साथ, अगर आपको एक बॉलर कुलदीप और जाडेजा के साथ अगर एक और बॉलर चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो अश्विन होने चाहिए। और जो एक इंडिया के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है वो है कि जो आखिरी की कुछ पार्टनरशिप्स होती है इंडिया के अगेंस्ट, वो हमेशा रन बना के जाती है, इवन तो वो फील्डिंग की भी गलती है, जैसे कि आपने कहा ड्रॉप कैचेस वगैरह, बट दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज हॉन्टेड इंडिया। ये खैर टोटल क्योंकि 400 था इसलिए ये इतना इफेक्ट नहीं किया, बट यही टोटल अगर 350 होता और वो ये आखिरी जो नाइन्थ विकेट की पार्टनरशिप थी,
हेजलवुड और सीन अबाउट कि अगर वो क्लोज ले जाती तो इंडिया को वो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये जो इशू इंडिया के लिए हमेशा रहा है, ये इस वर्ल्ड कप में कितना बड़ा इशू होगा कंसीडरिंग आज जो हमने देखा कि आखिरी जो बॉलर आते हैं जिनसे आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, इंडिया ऊपर से विकेट गिरा देता है लेकिन जो आखिरी की पार्टनरशिप आती है वो आके एक स्केयर दे देती है इंडियन टीम को। नहीं, वो कहीं ना कहीं आप कम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, और मुझे कम्प्लेसेंसी ज्यादा लग रही थी आज। आप थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड पे थे कि आपने 8 विकेट जल्दी निकाल दिए हैं, मैच कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन आपको हर समय ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी। आज आपने बिल्कुल सही बोला कि आपने 399 के रन का स्कोर लगा रखा था, इसलिए वो डकवर्थ लुईस के बाद भी रिवाइज होके भी बहुत बड़ा स्कोर था, 99 रन से आप इसीलिए जीते हैं, लेकिन 217 तक ऑस्ट्रेलिया आ गई। दैट इज यू नो दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग। अगर मैं फील्ड, और ये फील्डिंग का प्रॉब्लम है, ये बॉलिंग का नहीं है, बॉलर्स ने अपना काम किया था, कैच उठवाए, रन रोकने की कोशिश करी, इधर उधर रन निकले, तो बॉलर्स की भी गलती नहीं थी, गलतियां फील्डिंग की थी, एंड आप फील्डिंग में कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। दिस विल हॉन्ट यू, और आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप से 10 दिन दूर हैं, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट को, और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा भी इसको बहुत क्लोजली देख रहे होंगे, और स्पेशली शार्दुल ठाकुर को थोड़ा क्लोजली देख रहे होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा फील्डिंग में भी, उनकी बॉलिंग का इफेक्ट फील्डिंग में भी दिख रहा था, जो एक चौका दे दिया, एक इधर उधर से कैच छोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरे ख्याल में वो बात करनी ज़रूरी है, एड्रेस करना चाहिए, बहुत बड़ा भी इशू नहीं है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं यार, ये बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ये लोग बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ये लोग उतने प्रोफेशनल है, एज ग्रुप खेला है उन्होंने, अंडर 19 अंडर 23, डोमेस्टिक, IPL, एवरीथिंग। तो ये इन लोगों को प्रोफेशनली पता है कि इनकी कहाँ गलती है, एड्रेस कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। एक बॉक्स भी क्यों छोड़ना है ना, दैट इज द थिंग। आपको एक बॉक्स, एक वो लूप होल भी क्यों छोड़ने की जरूरत है, जब आप इतने अच्छे फॉर्म में हैं, जितने अच्छे बैलेंस में हैं, तो जाइए हर चीज बैलेंस रख के जाइए वर्ल्ड कप के अंदर। और थर्ड ODI में वो जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं, दे विल रिटर्न, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, तो क्या मेजर चेंजेस है जो अब आप देख रहे हैं कि कौन बाहर बैठेगा? क्योंकि वो श्रेयस, राहुल और ईशान की डिबेट में अब क्योंकि सेंचुरी मार दी है, शायद ईशान का वो क्लियर हो गया है, इवन दो ही इज अ ग्रेट बैटर जैसे कि हमने इस साल देखा है, बट वो इवेंचुअली ही विल हैव टू सिट आउट। तो आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में? रोहित, गिल और कोहली तो कन्फर्म्ड है, उधर तो डिबेट ही नहीं है, उसके नीचे से आप कैसे बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं? मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आपका फर्स्ट 11 वर्ल्ड कप का होने वाला ना, एटलीस्ट पहले दो मैचेस का या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आपका मैच है, आपको वहाँ से उस 11 को खिलाना चाहिए। उसमें रोहित और गिल और कोहली तो परफेक्टली वहाँ सेट होते हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से रहने चाहिए। KL राहुल कीपिंग करते आ रहे हैं, आज ईशान कर रहे थे, लेकिन KL राहुल कीपिंग करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ बैट्समैन, फिफ्थ चार पांच नंबर के बैट्समैन रहेंगे वो। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये मेरे हिसाब से आपके जो है ये पहले 6-7 बैट्समैन रहने चाहिए। फॉर मी ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली डजंट मेक इट टू दिस 11, बिकॉज अगेन यू नो इट्स अबाउट द प्रायोरिटीज, और KL राहुल भी अच्छे खासे निक में दिख रहे हैं, और श्रेयस अय्यर ने अपना काम कर दिया, जब उनको मौका मिला, जब उनको एक यू नो अपने तरीके की कंडीशंस मिली, तो उन्होंने अपने को ही इज गॉट हिमसेल्फ इनटू द ग्रूव, और वो इस तरीके के प्लेयर हैं कि उनको अगर रन्स मिल जाएं तो वो आराम से अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड वनडे क्रिकेट में वो कर रहे थे, जब तक वो इंजर्ड नहीं हुए थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी बेहतरीन एवरेज थी उनकी स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। तो मेरे ख्याल से वो टिंकर करने की जरूरत नहीं है, वो 3 नंबर पे कर रहे हैं, वो 4 पे भी आगे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी ईशान को बैठना पड़ेगा, लेकिन अगेन आई बीन सेइंग दिस, ईशान बहुत यंग लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, एंड ही नोज, ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। सबसे बड़ी एक चीज़ होती है ईशान जैसे प्लेयर में कि उसको पता है वो क्या कर सकता है, तो वर्ल्ड कप में उसे मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको KL राहुल का मैनेज करना पड़ेगा वर्क, तो आपको खेलने का मौका मिलेगा, प्लेइंग 11 का चांस मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको हर मैच नहीं मिलेगा। दैट इज हाउ द बैलेंस इज, दैट जस्ट अबाउट द बैलेंस। बट तो इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी यू नो वेरी बैलेंस्ड टीम, और इस टीम के अंदर 15 में भी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। तो खुश रहिए, इस चीज को एंजॉय कीजिए, और जब भी मौका मिलता है इस चीज को एंजॉय करके अपनी परफॉर्मेंस पुटअप कीजिए। वन थिंग आई एम रियली गुड, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इज, मुझे जो लग रहा है पर्सनली कि टीम मैनेजमेंट ने ईशान को अपना रोल डिफाइन कर दिया कि आप एज अ फ्लोटर खेलेंगे, 5-6 पे आप खेलेंगे, क्योंकि अगर मौका लगता तो मेरे ख्याल में उनको इन दो मैचेस में ओपन भी करा सकते थे, वो नहीं कराया। श्रेयस को आप 4 अगर खिलाते तो आप गायकवाड़ को 3 नंबर खिला के ईशान को ओपन करा सकते, लेकिन आपने वो नहीं करा। तो मेरे ख्याल में अब जो उनका रोल है वो डिफाइन हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन, और वो अब उस ग्रुप में सेटल डाउन कर सकते हैं,
उस ग्रुप में, और आज हमने देखा भी यार जिस तरीके से उन्होंने नॉक खेला, ही न्यू ही हैड टू प्ले दैट अग्रेसर रोल, और ऑफ द मार्क इतने बढ़िया शॉट से हुए थे। तो जाइए अपनी गेम एंजॉय करिए, जब भी मौका मिलता है सिर्फ उसको एंजॉय करके खेलिए। समय इस मैच में दो सेंचुरियंस थे हमारे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। एक चीज जो मैंने नोटिस की वो पर्सनली टू बी डेविल्स एडवोकेट, दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, मतलब उस पर तो कोई शक नहीं है, द वे दे प्लेड, द शॉट्स दे प्लेड, द वे दे बिल्ट देयर इनिंग्स। एक चीज जो मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगी वॉज द मोमेंट वेन दे स्लोड डाउन फॉर देयर माइलस्टोन, बिकॉज द वे दे वर प्लेइंग, जो स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। अब हम ये कह सकते हैं एक बायलेटरल है, एक इनकॉन्सिक्वेंशियल बायलेटरल है कि जीते हारे वी आर ट्राइंग आउट थिंग्स, तो चलता है, बट दिस इज एन अप्रोच वी कांट अफोर्ड इन द वर्ल्ड कप, बिकॉज आपको इतनी अच्छी स्टार्ट मिली है एंड यू हैव अ गन बैटिंग लाइनअप आपके पास, वो इतने बैटर्स हैं, तो आप जब 60 बॉलों पे या कुछ बॉलों पे अगर आपके 80 हैं और आप अगली 26 बॉलों पे 25 रन मार रहे हैं, गिल ने तो अगली 25 बॉलों पे 17 रन मारे थे, जस्ट क्योंकि वो नर्वसनेस 100 की आ जाती है। तो आप ये भी डिबेट है कि अय्यर इतने टाइम बाद आ रहे हैं, वांटेड 100 अंडर हिज बेल्ट ताकि कॉन्फिडेंस आए, ये भी ठीक है, बट दिस अप्रोच इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट इन द ड्रेसिंग रूम, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसा स्टार्ट मिलने के बाद अगर आप स्लो डाउन हो जाएंगे, मोमेंटम वापिस बॉलिंग टीम को दे देंगे रन्स कम करके, तो ये कैन बैकफायर इन अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? दिस इज व्हाट आई थॉट, दिस इज लाइक आई सेड टू बी डेविल्स एडवोकेट। थोड़ा सा मैं इससे मतलब थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा, क्योंकि ये उस तरीके का मैच था, ये जो सीरीज है इट इज बीइंग, देखिए सीरीज को जीतने से किसी को मतलब नहीं था, एज ओके इट्स अ ग्रेट थिंग वी हैव वन द सीरीज, बट यहां पे प्लेयर का इंडिविजुअल probably this is one of those rare events, rare series जहाँ पे आपको player performances ज़्यादा matter करने वाली थी, कौन सा player किस तरीके से perform कर रहा है। तो अगर आपको श्रेयस अय्यर आज एक 100 दे रहा है, शुभमन गिल एक 100 दे रहा है, that matters more instead of the result, eventual result of the series, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो 100 आई है ना, that is for the confidence, और वो आई 100 के strike rate से ज़्यादा ही है, ठीक है। आपने थोड़ा slow down ज़रूर करा, लेकिन आपने अपने को उतना मैनेज आउट कर लिया था इनिशियली, आपने अपने शॉट्स खेल लिए थे कि आपके पास वो अफोर्ड करने का स्पेस था। जो आपने बात करी वो मैं केएल राहुल के लिए ज़रूर बोलूँगा कि वहाँ मुझे लगा जब वो 50 के करीब थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे, एंड सूर्य कुमार यादव भी आई डोंट नो ही केम आफ्टर वट 38-39 ओवर, उन्होंने इनिशियली बहुत स्लो स्टार्ट किया था, ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर सिंगल्स, वो मुझे probably थोड़ा समझ नहीं आया था, बट अगेन ही कवर्ड इट अप, ठीक है। उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए, वहाँ मेरे को केएल और स्काई की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट लगी, वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन श्रेयस और शुमन का जो था ना वो उन्होंने स्टार्टिंग में अपना काम कर दिया था, दे हैड द लिबर्टी एंड लीवे टू जस्ट रीच दैट माइलस्टोन। और सूर्य कुमार यादव का अगेन आई हैव बीन of the school of thought ke Surya Kumar Yadav is not an ODI player, unhone aaj bahut hi exceptional innings kheli hai, and unhone wo T20 wali innings kheli hai jo wo hamesha se khelte hain, jis tarike unhone shot mare, jis strike rate se mare, wo ek obviously we all have been fan and I have been saying that he is probably one of the best T20 players India has ever produced history mein apni T20 ki, but I am still of the thought ke Surya Kumar Yadav in ODIs, although he is not in the playing 11, first playing 11, he is the backup, but kyunki aaj unko wo situation mili, upar se do century lag chuki thi, wo aakhri 10 over mein aaye, he had all the liberty to go all guns blazing, but agar yahi Surya Kumar Yadav 25 se 30 over ke beech mein aa jate hain to unko samajh nahi aata, kyunki wo khud keh chuke ki I am trying to decode this format, ke 25 se 30 over ke beech mein agar main aa gaya to main kya karu, main sweep nahi maar sakta, रिस्की है, मैं तेज खेलूंगा लेकिन उस चक्कर में आउट हो गया तो रिस्की है, तो आई एम स्टिल ऑफ द बिलीव एंड आई वुड नेवर इन फेवर ऑफ सूर्य कुमार यादव बीइंग इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड अभी, बिकॉज द प्लेयर हैज हिमसेल्फ सेड दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दिस फॉर्मेट। तो वो डिबेट में हालांकि सोशल मीडिया पे आज हमने देखा उनके इस इनिंग्स के बाद के काफी कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, पर्सनली आई डोंट थिंक ही हैज प्रूव्ड द फैक्ट दैट ही इज स्टिल एन ओडीआई प्लेयर, ही इज स्टिल अ गुड ग्रेट T20 प्लेयर, उनको वो सिचुएशन आज के मैच में मिल गई। Again, yeah. I love Surya Kumar Yadav, but wohi, this is something I still stand on. What do you have to think about? I'm on the same page. Yeah. It's rare that this kind of a situation will come up, will turn up, ki aapko 40 over mein aana pad raha hai. Ye rare hoga. आप 45 पे ओवर, और प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अभी आप ODI फॉर्मेट को सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा कि आपने जो स्टार्ट लिया आपने सिंगल्स खेले, इफ यू कम इन द मिडिल
इन अराउंड 25th ओवर लेट्स सपोज इंडिया का एक एक फंबल हो जाता है बैटिंग लाइनअप और आपको आना पड़ जाता है, तो आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके से उसको स्टिच करके इंडिया को बेल आउट करना है। और अगर आप 45th ओवर में आ रहे हो और आप इस तरीके से खेल रहे हो तो वो भी अफोर्डेबल नहीं है इंडिया के लिए। ठीक है, आज आपके पास 300 रन थे, कल आपके पास अगर 40 ओवर में 200 लगे हुए हैं तो आपको वो चीज़ तेज खेलनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई यू आर देयर। सो येस आई एम ऑन द सेम पेज की यू नो सूर्या का क्या रोल है इस लाइनअप के अंदर, बट अगेन यू नो होता क्या है ना कि कनव की जब आपके आपको एक एक्साइटिंग प्लेयर का टैग मिल जाता है ना, यू फाइंड योर सेल्फ इन द स्क्वाड्स दैट आर नॉट रियली मेंट फॉर यू टू बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस, यू फाइंड योर नेम ऑन दो शीट्स। तो सूर्य कुमार यादव का ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में भी जब वो आए थे तो यही कारण था कि उनको बहुत एक्साइटिंग प्लेयर का दर्जा मिला हुआ था। वो हैं एक्साइटिंग प्लेयर हैं, बहुत मज़ा आता देख, लेकिन एक बारिंग T20 फॉर्मेट, और वो भी हर समय नहीं होगा, बारिंग T20 फॉर्मेट, उस एक्साइटमेंट का क्या फ़ायदा ना। आज कर दिया वो चीज़, लेकिन कितनी बार होगा ये, कितनी बार रेप्लीकेट हो सकता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और ईशान किशन को जैसे हम रोल कहते हैं, उनको अलग अलग रोल दें क्योंकि वो अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली उनका एक ही रोल हो सकता है, दैट इज आखिरी के 5-10 ओवर में आना और मारना। आप उनको वो रोल ले ही नहीं सकते कि आप ऊपर आ जाइए थोड़ा, आप जल्दी आ जाइए थोड़ा, इनिंग संभाल लीजिए, दैट इज समथिंग व्हिच स्काई कांट डू अनफॉर्चुनेटली। ये तो सीखना चाहिए था ना यार, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप पिछले 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, आप इतने साल से आईपीएल खेल रहे हो, व्हाट ही स्टार्टेड प्लेइंग द आईपीएल एट अराउंड इन अराउंड 2012 or 2013 ना, तो 10 साल आईपीएल खेलते हो गए, आपको वो मैच्योरिटी लानी चाहिए थी। और ऑलमोस्ट 31-32 आई मीन ठीक है, मतलब मुझे मैं अभी भी कन्विंस उतना होता नहीं हूँ सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को देख के। स्ट्रोक्स हैं, शॉट्स अच्छे हैं, मज़ा आता है देख के, सब ठीक है, बट how is it going to add to the you know add to indian team's things positive things aaj kara theek hai lekin aaj kya hame zarurat matlab hum kisi aisi situation mein thodi the ki hum kharab situation mein the aur surya kumar yadav ne hame aake bail out kiya hum nahi the we were in a very good space we had scores in our on the score sheet kl rahul bahut acha khel rahe the niche jadeja aake bahut acha khel sakte the ishan bahut badhiya pari khel ke gaye the in fact ishan ne momentum diya to be वेरी ऑनेस्ट वो 18 में 31 जो उन्होंने कहा था वो मोमेंटम देकर गए हैं। तो ठीक है, मतलब आप स्क्वाड में रखिए, उन्हें खिलाइए भी, लेकिन थोड़ा रोल डिफाइन तो करना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा उनको भी थोड़ा स्किल अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, उस तरफ ले जानी पड़ेगी, करना पड़ेगा आपने। जो वो खुद कह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, बट द सैड पार्ट इज कि वो वर्ल्ड कप के इतने क्लोज आप ट्राई और टू फिगर आउट नहीं कर सकते, आंसर ढूंढने नहीं निकल सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको अपने आंसर दिखाने हैं। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है हमारे पास जेसन का, ही सेइंग बिसाइड्स ऑल दीस विंस आई एम नॉट श्योर इफ वी आर डूइंग एज वेल एज इट सीम्स और इज ऑस्ट्रेलिया नॉट रिवीलिंग देयर कार्ड्स, व्हाट डू यू थिंक, जेसन का ये सवाल है। ऑस्ट्रेलिया का जैसे कि मेरे को भी ये लगता है कि जैसे कि आज हम मिड इनिंग्स में डिस्कशन देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी पूरे मन से खेल नहीं रहा था, एक तो टीम उनकी पूरी नहीं है, ऊपर से वो भी क्योंकि बॉलिंग करनी है, कैमरन ग्रीन को हमने आज तक 10 ओवर डालते हुए नहीं देखा, आज उन्होंने डाल दिए, तो वो भी पूरे मन से नहीं खेल रहे हैं। वो आई एग्री विद द फैक्ट कि दे आर आल्सो नॉट रिवीलिंग देयर कार्ड्स, दे आर आल्सो नॉट गिविंग देयर ऑल, वो जो वेट कर रहे हैं जो पहला वर्ल्ड कप का मैच आएगा उसके लिए, व्हाट डू यू हैव टू से, प्रोबेबली दे आर नॉट गिविंग इट देयर ऑल, और वो पूरी टीम के साथ भी नहीं खेल रहे, कोई ना कोई उनका प्लेयर बाहर बैठ रहा है, जो 11 में आपको चेन्नई में दिखने वाला 8 तारीख को वो ये टीम नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन यू नो यू कांट रियली टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द इंडियन टीम, अभी यहाँ जितने प्लेयर्स हैं बारिंग सूर्य कुमार यादव है, निशान किशन इसमें और प्रसिद्ध कृष्णा, इसमें से जो मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स हैं वो आपको 11 में दिखने वाले हैं, और जो 11 में दिखने वाले हैं उन्होंने शुभमन गिल ने परफॉर्म कर दिया, श्रेयस ने कर दिया, केएल ने कर दिया, जडेजा ने कर दिया, मोस्ट लाइकली अश्विन भी हमें वहाँ दिखेंगे, तो अश्विन ने भी कर दिया, शामी एक दो जगह पे रन पड़ गए, लेकिन ठीक है वो होता है यार, एक आध बॉल स्लॉट में गिर जाती है। तो ये जो हमारे पास जो टीम थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तीन चार चेंज होंगे उसमें, मेजॉरिटी ऑफ द टीम सेम है, तो मेरे ख्याल से नहीं, यू कांट रियली टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दीस गाइज, और हमने प्रॉपरली परफॉर्म करा है, वी हैव कैपिटलाइज ऑन द थिंग्स, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं करा, ऑस्ट्रेलिया इसे किस तरीके से देख रहा है सीरीज को, वी डोंट रियली हैव एनी आइडिया, लेकिन अगर हम इसको एज अ वार्म अप सीरीज देखें तो इंडियन टीम ने यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इसको कैपिटलाइज करा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सौम्य जाने से पहले एक आखिरी सवाल, एक ओडीआई और रह गया है, जैसे कि मैंने कहा सीनियर्स वापस आएंगे, दो हमने जिससे शुरू किया था लाइव के सवालों के जवाब मिल गए हैं,
कोई ऐसा एरिया जिसको अब आप आखिरी ओडीआई में वो जवाब मिलता देखना चाहते हैं? एक ऐसा एरिया जो आप चाहते हैं कि आखिरी ओडीआई में टिक हो जाए बिफोर वी स्टार्ट आवर वर्ल्ड कप कैंपेन अक्टूबर में, एक ऐसा क्या एरिया है जो आप चाहते हैं आखिरी ओडीआई में पूरा हो जाए? आई मतलब एरिया नहीं है, बट आई वॉन्ट टू सी अ प्रॉपर 11 गोइंग इन टू दिस मैच. जो आपकी 11 होने वाली है आप उसे लेके उतरिए एंड थोड़ा उस हिसाब से देखिए. अगर वीकर टीम है, रिलेटिवली वीकर हो रखी है ऑस्ट्रेलिया, तो डोमिनेट करो ना यार. लेट अ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा स्कोर बिग बिग टर्न्स एंड लेट बी लेट देम बी इन अमंग रन्स, और वो इस तरीके से फॉर्म में जाए कि यू नो सामने वाली टीम को डर लगे कि यार ये इस फॉर्म में आ रहे हैं, अगर 150 इनके अगेंस्ट कर सकते हैं तो 100 हमारे अगेंस्ट भी हो ही जाएंगे. तो उस फॉर्म में जाए तो मेरे हिसाब से प्रॉपर 11 जो 11 आपकी पहले दो मैच की रहने वाली आपके दिमाग में उसके साथ उतरिए, वो बेनिफिशियल होगा इन माई ओपिनियन. और बाकी जो था मिडिल ऑर्डर सेटल हो गया है, अश्विन की विकेट्स आ गई है, गिल रन मार रहे हैं, अय्यर फॉर्म में आ गए हैं, शम्मी ने विकेटें ले ली है, और सिराज तो हमने देखा ही है क्या करके आ रहे हैं एशिया कप फाइनल में. तो वी आर गुड टू गो एज फार एज द वर्ल्ड कप इज कंसर्न. तो वी लाइक टू एंड दिस लाइव डिस्कशन यहीं पे एंड विल जॉइन यू टुमारो. आई लाइक टू रिमाइंड यू गाइस टू कल है इंडिया इंडियन वुमेन्स टीम का फाइनल एशियन गेम्स अगेंस्ट श्रीलंका. गोल्ड मेडल मैच, आप यूजली हम फाइनल ट्रॉफी मैच सुनते हैं लेकिन दिस इज द गोल्ड मेडल मैच अगेंस्ट श्रीलंका जो कल सुबह 11 बजे शुरू होगा. तो प्लीज 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 स्टे ट्यून्ड, देखिएगा वो मैच और हम करेंगे प्री मैच उसका, पोस्ट मैच जरूर जुड़िएगा क्रिकेट नेक्स्ट का. थैंक यू सो मच सौम्या फॉर दिस ग्रेट डिस्कशन. हम जुड़ेंगे आपके साथ कल. अंटिल देन प्लीज कीप वॉचिंग क्रिकेट नेक्स्ट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. थैंक यू. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.